Hello students, hope you are doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the topic for today is development banks. So let's start. So these are the references जहाँ से हमने PPT content बनाया है. So you can check these references. So development banks को start करने से पहले हम concept है एक development finance, उसको discuss करते हैं. So generally अभी हमारे यहाँ क्या है, there is generally lack of availability of long-term funds. सो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस जो होते हैं उसकी थोड़ी अवेलेबिलिटी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो, एग्रीकल्चर हो, तो उसके लिए देर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द गैप्स इन द इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स इन अ कंट्रीज फाइनेंशियल सेक्टर एंड एक्ट एज अ गैप फिलर. सो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि जहाँ जहाँ फाइनेंसिस नहीं है अवेलेबल उसको चेक करना और वहाँ पर फाइनेंसिस प्रोवाइड करना. सो जिससे जो भी गैप्स हैं उसको फिल करा जाए. सो देर इज अ नीड टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ फाइनेंस टू सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स. सो दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस. जहाँ पर फाइनेंस नहीं है लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली उस उन्होंने एरियाज में जो भी गैप्स हैं उसको फिल करा जाए और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस. सो डेवलपमेंट बैंक्स या फिर इसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हम कहते हैं. सो द व्हीकल फॉर एक्सटेंडिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इज डन थ्रू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डेवलपमेंट बैंक. सो डेवलपमेंट बैंक को हम DFI भी कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और ये एक तरह से मेन फोकस जो होता है जहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं होती है वहां पर डेवलपमेंट बैंक्स रोल प्ले करते हैं. सो DFI इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोमोटेड और असिस्टेड बाय गवर्नमेंट मेनली टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू वन और मोर सेक्टर्स और सब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करना. और डेवलपमेंट फाइनेंस क्या है, जहां पर भी जो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी अगर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, सो वो जो भी गैप्स होते हैं वो फिल करे जाते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस के थ्रू. और जो व्हीकल होता है फॉर एक्सटेंडिंग डेवलपमेंट फाइनेंस उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक. Thus, the basic emphasis of DFI, Development Bank, is long-term finance provide karna and on assistance for the activities of sectors of the economy where the risk may be higher than the ordinary financial system is willing to bear. So obviously, jahan par long-term financing hoti hai, koi agar irrigation project hai, koi pura national highway project hai, to usko finance karna aur jahan par risk zyada hota hai as compared to jo ordinary financial systems hote hain. Jaise humne discuss kiya tha, commercial bank jo hota hai, wo provide करता है जनरली मीडियम टू शॉर्ट टर्म लोन्स. तो डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फाइनेंस. सो दीज आर द डेवलपमेंट बैंक्स, लॉन्ग टर्म आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद अगर हम देखें तो टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी इनको कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. DFI जैसे डिस्कस करा, इट जनरली सपोर्ट्स कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं which is spread over long period and yielding low rate of returns. तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम होते हैं, इसका रिस्क भी है और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है जो भी इनके लोन्स होते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देखें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज, इरीगेशन सिस्टम, इसमें ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. सच बैंक्स ऑफन लेंड एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है एंड जनरली इट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट with considerable social benefits. तो social benefits भी इसमें one of the outcome रहता है. फिर development banks जो होते हैं they are engaged in participating in development activities. Main focus is development होती है society की, इसलिए social benefit है. कुछ अगर हम development banks की बात करें जो हम discuss करेंगे, जैसे IFCI है, it is one of the first development bank. इसे कहते हैं Industrial Finance Corporation of India, 1948 में हुआ था. देन हम डिस्कस करेंगे नबार्ड जो एग्रीकल्चर पे फोकस रहता है, रूरल डेवलपमेंट पे, 1981 में. देन हम करेंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड है, उसे कहते हैं एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो 1982 में सेटअप हुआ था. और SIDBI जो मेनली फोकस MSMEs पे रहता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे, सो जो 1989 में फॉर्म हुआ था. सो पहला अगर टाइप्स की बात करें डेवलपमेंट बैंक्स की, तो जनरली चार तरीके से हम बांटते हैं इसको. पहला होता है टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जो जनरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, जिसमें डिस्कस करेंगे हम IFCI है, IDBI है,
फिर रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे नबार्ड, सिडबी, जो रीफाइनेंस करते हैं टू बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज, सो रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये। जनरली रीफाइनेंसेस अगर किसी बैंक ने या फिर किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी है उसने अगर कहीं आगे लोन दिया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, या स्मॉल इंडस्ट्रीज को दे रखा है, उस लोन को रीफाइनेंस करना, जिससे जो बैंकिंग सेक्टर है या फिर जो जो भी लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है वो एक बेटर पोजिशन में आ सकें। सो सेक्टर स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए है एग्जिम बैंक, वो सेक्टर स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस रहता है। और चौथा है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो मेनली फोकस रहता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे LIC है, UTI है, GIC है। सो ये कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं। पहला हम करेंगे IFCI, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो IFCI इसका नाम है, जनरली 1948 में सेटअप हुआ था, एंड ये वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहला डेवलपमेंट बैंक था कंट्री में। एंड इसका सेटअप किया गया था टू केटर लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए फोकस था इसका। सिंस इट्स इंसेप्शन IFCI has been a catalyst in creating a robust industrial base. Industry को बहुत help करा इसने through modernization of Indian industry, export promotion पे help है, import substitution, nurturing sunrise industries through commercial viable and market friendly initiatives. So main focus was long term finance. इसके जो कुछ जो फैसिलिटीज हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट फाइनेंस ही हेल्प करता है, तो IFCI की जो टीम है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उसमें, दे प्रोवाइड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर, हैज एबिलिटी टू प्रोवाइड कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टू मीट द ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो पूरे प्रोजेक्ट्स को ये एक तरह से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इनकी टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती है जो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, सो उन सारे प्रोजेक्ट में ये हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसका वन ऑफ द फंक्शन है प्रोजेक्ट फाइनेंस। बहुत सारे सेक्टर्स कवर करते हैं इसमें, जैसे पावर एंड इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है, रोड्स हैं, ऑयल एंड गैस हैं, एयरपोर्ट्स हैं। सो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और जो भी एक्सपर्टाइज है, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंस है। सो किसी भी तरह के कॉर्पोरेट हैं, चाहे वो लार्ज है, स्मॉल है, IFCI केटर टू वेरीड नीड्स ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमर्स रेंजिंग अक्रॉस स्मॉल, मिड, मीडियम, लार्ज कॉर्पोरेट्स। ये ऑफर करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस थ्रू, जैसे बैलेंस शीट फंडिंग, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो ये सारी चीजें हैं, और अलॉन्ग विद दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस में दे ऑल्सो ऑफर अ शॉर्ट टर्म लोन करते हैं अप टू वन ईयर टू मीट वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ब्रिज फाइनेंसिंग एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस फैसिलिटी। सो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये कुछ सब्सिडरीज हैं इसकी जो अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं। फिर दूसरा हम डिस्कस करते हैं नबार्ड। तो नबार्ड जैसे इसका जो डेफिनेशन रहता है, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर दैट इज रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस में आया था 1982 में बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI। तो जो RBI का एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन था एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ देन एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC को कंबाइन करा था, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन है RBI का, उन दोनों को क्लब करके नबार्ड फॉर्म हुआ था 1982 में। और इसका मेन फोकस था सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को कैसे इंक्रीज करा जाए, कैसे प्रमोट करा जाए, थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन। फाइनेंस प्रोवाइड करना है वो भी है, नॉन फाइनेंशियल हेल्प ऑल्सो, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रॉस्पेरिटी। सो नबार्ड जो होता है, दे जनरली प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स कवरिंग 37 एक्टिविटीज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द 3 हेड्स, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड रूरल कनेक्टिविटी। तो इन 3 हेड्स के अंडर ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को नबार्ड। सो मेन जो है इसका 3 ब्रॉड हेड्स जो है, जैसे फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन, फाइनेंस प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट पे फोकस है एंड सुपरवाइज ऑल्सो करता है।
सो बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सपोर्ट करता है, रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी, उसके बाद बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री इन अचीविंग क्रेडिट टारगेट्स, सुपरवाइज करना कॉरपोरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स को, एंड उसके बाद ट्रेनिंग हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट स्कीम्स होती है उसको नबार्ड इम्प्लीमेंट करता है. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ नबार्ड. और फंक्शंस की बात करें, रीफाइनेंस, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं उसको रीफाइनेंस करता है ये नबार्ड. सो जैसे क्रॉप लोन्स आर एक्सटेंडेड टू फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बाय फाइनेंस. सो क्रॉप लोन्स आर एक्सटेंडेड टू फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच सपोर्ट इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री. सो ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में नबार्ड हैज डिस्बर्स 92,411 करोड़ फॉर सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड 7,971 फॉर अदर देन सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन टू कॉपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबी. सो शॉर्ट टर्म लोन्स, रीफाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, उसके लिए ये नबार्ड फंड देता है टू रीजनल रूरल बैंक्स है, कॉपरेटिव बैंक्स हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस. सो मेनली फोकस रीफाइनेंसिंग पे है. सो आप देख सकते हैं इसमें नबार्ड्स लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस प्रोवाइड्स क्रेडिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ वाइड गैमेट ऑफ एक्टिविटीज एनकंपासिंग फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज विद टेन्योर ऑफ 18 months टू मोर देन 5 years. सो शॉर्ट टर्म लोन्स में भी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी इज देयर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स में भी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी इज देयर. सो ड्यूरिंग 1920 नबार्ड हैज डिस्पर्स 70,180 करोड़ टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. हम लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करें तो फिर लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड भी नबार्ड ने क्रिएट कर रखा है. सो इन द बजट, ये अनाउंस हुआ था इन द यूनियन बजट ऑफ 2016-17 फॉर फास्ट ट्रैकिंग दी 99 आइडेंटिफाइड मीडियम एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. सो जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट थे मेजर इन कंट्री में, उनको फंड करने के लिए लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड डेवलप हुआ था अंडर नबार्ड. और नबार्ड के जो फंक्शंस है, वाटरशेड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें नबार्ड फंडिंग करता है. ये कुछ पिथौरागढ़ के नबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं. तो यू कैन सी पिथौरागढ़ में भी देर आर मेनी प्रोजेक्ट विच आर अंडर नबार्ड एंड विच आर करेंटली अंडरगोइंग. फिर जो हमारा दूसरा, हमारा जो डेवलपमेंट बैंक की हम डिस्कस करते हैं वो है सिडबी. सो मेनली जैसे मैंने डिस्कस करा था, सिडबी का मेन फोकस रहता है प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशंस फॉर, इट प्राइमरली एक्ट एज प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. उसके लिए ये मेजरली काम करता है. 1990 में सेटअप हुआ था सिडबी. इसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेसेस, एमएसएमईज, उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, तो उनको माइक्रो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना. सिडबी ऑफर वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस है, देन उसके बाद टर्म लोन असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म लोन भी है, फॉरन करेंसी है, फॉरन करेंसी लोन, सपोर्ट अगेंस्ट रिसीवेबल्स, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम. तो ये सब कुछ फंक्शंस हैं सिडबी के. सिडबी ऑफर करता है इनडायरेक्ट असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. जो जैसे नबार्ड करता है रीफाइनेंस, वैसे सिडबी भी ऑफर करता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू पीएलआई, दैट इज प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो आगे स्मॉल बिजनेसेस को लेंड करते हैं, तो उनको रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है रीफाइनेंस का, की टू रेज द रिसोर्स पोजिशन ऑफ प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आरआरबी है, कॉपरेटिव बैंक्स है, उनकी जो रिसोर्स पोजिशन है, पोजिशन को इम्प्रूव करा जाए उनकी, जिससे वो और बेटर फ्लो ऑफ क्रेडिट हो सके टू एमएसएमई सेक्टर. ये कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न है सिडबी का. सो मेजरली आप देख सकते हैं 15% के अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एलआईसी का स्टेक है इसमें, देन यू हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक, नबार्ड इज ऑल्सो द शेयर होल्डर ऑफ सिडबी. तो सिडबी क्या प्रोवाइड करता है, जैसे हमने देखा रीफाइनेंसिस लोन्स दैट आर एक्सटेंडेड बाय पीएलआई प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग मार्केटिंग चैनल्स फॉर द प्रोडक्ट्स. कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड भी हेल्प रहती है, एक्सपेंड मार्केटिंग चैनल्स, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग चैनल में हेल्प करना एंड प्रमोट करना एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को भी. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सिडबी. एंड मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में हेल्प करता है एमएसएमईज जो होती हैं उनके,
and it also enables the timely flow of credit for working capital as well as term loans to small scale industries. लास्ट हम डिस्कस करते हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसे कहते हैं एक्सिम बैंक. सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है. 1982 में सेटअप हुआ था फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रोमोटिंग फॉरन ट्रेड. तो ये इसका मेन फोकस है, फाइनेंस करना, फैसिलिटेट करना एंड प्रोमोट करना फॉरन ट्रेड को. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक. तो उसके फैसिलिटी कुछ कुछ फंक्शन जो हैं, जैसे बायर क्रेडिट, ये दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक. यूनिक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोग्राम दैट मोटिवेट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सप्लोर न्यू ज्योग्राफीज. सो एक्सपोर्टर्स को कैसे फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे वो नए नए एवेन्यूज को सर्च कर सकें. थ्रू दिस प्रोग्राम द ओवरसीज बायर, जो भी इम्पोर्टर है दूसरी कंट्री का, कैन ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर and can import goods and services from India on deferred payment terms. So, ये facility provide होती है under this function buyer's credit. So, बाहर country का कोई भी importer है, वो एक letter of credit जो Indian exporter है, उसके उसके name पे issue कर सकता है, और उसमें help करता है आपको export import bank. So, export import bank letter of credit facility provide करता है, जो किसी और country के importer हैं, जिससे वो easily import कर सके India से. तो अल्टीमेटली बेनिफिट होता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को. सो बेनिफिट क्या है? व्हाइल ऑन द वन हैंड द एक्सपोर्टर एंजॉयज रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, ऑन द अदर हैंड द इंडियन एक्सपोर्टर गेट्स टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड कैन कंटिन्यू टू पुट हिज वर्किंग कैपिटल टू गुड यूज टू स्केल अप द ऑपरेशन. सो दिस इज वन बेनिफिट्स ऑफ दिस बायर क्रेडिट. फिर एक्सिम बैंक जो होता है एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट LOC टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, sovereign governments, other entities overseas to enable buyers in those countries to import developmental and infrastructure projects, equipment, goods, services from India. So ultimately, export promotion होना चाहिए. वो facilities provide करता है on deferred credit terms. Then you have the bank facilitate two-way technology transfer भी है by financing import of technology into India. So अगर कुछ exporter के अलावा अगर कुछ बढ़िया technology बाहर से लानी है उसके लिए भी import के लिए it also facilitate and investment abroad by Indian companies for setting up joint ventures. Indian companies को भी promote करना कि जो भी कोई joint venture के लिए अगर कोई company जाती है जिससे technology transfer हो उसको भी promote करता है Exim Bank. And it promotes high-tech exports from India. The bank has a lending program to finance research and development activities of export-oriented companies. So, जो companies हैं जो R&D पे focus रहता है, उनके लिए easy financing करना, that is one of the function of Exim Bank. So to promote high-tech export from India and a lending program, alag se ek lending program hai for R&D activities of export oriented companies and term loans to Indian companies provide karna, matlab long term loans provide karna for equity investment in their overseas joint venture and wholly owned subsidiaries. So term loan bhi provide karna Indian companies ko. And Exim Bank offer a range of financing programs to enhance the export competitiveness of Indian industries. Yes, Indian companies ki export competitiveness badhana and it provide 360 degree support to export oriented units by catering to long term loan requirement that help exporters finance new projects, expand and modernize or purchase new equipment and carry out R&D. So ye kuch functions hain Export Bank of India ke. So humne is lecture mein discuss kara aapke bahut sare development banks. So development banks mein humne kara export import bank, uske baad SIDBI. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए है, डेट इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इम्पोर्ट में जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड करना कंपनीज को. SIDBI है, ये मेनली फोकस रहता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे. रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी वन ऑफ द मेन फंक्शन है. उसके बाद NABARD, इसमें भी रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी है, मेन फोकस होता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे. एंड देन यू हैड IFC जो सबसे पहले डेवलपमेंट बैंक था इंडिया में. सो प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये कुछ फंक्शंस हैं इसके मेजर फंक्शंस. एंड मेन फंक्शन है लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना टू इंडस्ट्रीज.
दीज वर द टाइप्स जो हमने डेवलपमेंट बैंक से करे. सो टर्म लेंडिंग है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सिडबी नबार्ड, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में LIC, UTI एंड GIC, ICICI वेंचर के फंड मैनेजमेंट, ये कुछ इंस्टीट्यूशन है अंडर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक. सो दैट इज ऑल फॉर टूडे. थैंक यू सो मच.